सो दिस इज़ पार्ट टू। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि आज हो सकता है मैं सारे टेक्सचर की क्रम्बलिंग कर दूँ, फिर आप बता देना आपको अच्छा कौन सा लगा। इसकी 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 बड़ी शेप है, ड्राई भी नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं, और ये सूखा ही नहीं है। अच्छा, आज मैं जब शीट हटाने आ रही थी ना, मुझसे दो ये टूट गई, और ये पता नहीं वाइट वाइट क्यों हो गया, पर सुंदर तो लग रहा है। देखना मेरा ही पाँव इतना गंदा पड़ा है। ऐसी शेप ना मुझे अंदर से, मतलब जो रैंडम शेप होती है काइंड ऑफ, वो अच्छी लगती है। इसकी पीसेस कट कर देती हूँ। अच्छा, इनको हिला के रख देती हूँ, एकदम सुंदर सुंदर बनी हुई है। ओहो, कितनी ज़्यादा चिपकी हुई है। वहाँ देखो कितनी प्यारी शेप्स बनी हुई है। इसको यहाँ लाते हैं, इसको रखते हैं। कोई रिक्वेस्ट है? हाँ, तो मैं कहती हूँ बर्थडे वाली नहीं, उससे रिलेटेड, भाई इस टेक्सचर के ऐसे करना वैसे करना वो। अच्छा, 700 सेलिब्रेशन भी करना है, तो मैं सोचूँ सारी शेप्स है ना उल्टी पुल्टी करके रख ही देती हूँ। हवा तो लगती रहेगी ना, उससे उड़ाई हो जाएगी। अब जैसे ये है, ये तो रखा नहीं जा सकता, सो इनको छोड़ दो। इसको उठाते हैं ऊपर से। ओहो, कैसे करें? ये तो ख़राब हो जाएगा, तो अब कर देते हैं क्रम्बलिंग। ये क्या है? अच्छा, ये तो कोई रेड टेक्सचर है। अच्छा, एक ना मैरी क्वीन कह रही थी कि ना अब की ना वर्क प्लेस है वो थोड़ी नीट क्लीन हो गई है और बन भी गई है, तो ना आप ना बोल रख दो हर एक टेक्सचर के पास अलग से। यार ये पॉसिबल तो नहीं है, इतने सारे बोल्स मैं कहाँ से लेके आऊँगी, इतने सारे बोल्ट्स तो है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, जो ऑलरेडी है वो रख दूँ, पर मेरे को एक बात बताओ, अगर जो आपको बोल में क्रम्बलिंग चाहिए, फ्लोर पर क्रम्बलिंग नहीं चाहिए, तो वो बता दो, मैं बोल में कर दूँगी, उठा के ले आऊँगी ना दो तीन बोल्ट्स और उसके अंदर करती जाऊँगी जिस जिस टेक्सचर की आपको चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपने अच्छा आइडिया दिया कि बोल्ट्स रख दो, कि हाँ भाई पूरा मतलब मैनेज था रहेगा, टेक्सचर इधर उधर बिखरेंगे नहीं, नीचे नहीं जाएंगे, तो अच्छा आइडिया तो है, पर ना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इतने सारे बोल्स लेके आना, फिर उनमें क्रम्बलिंग करना अलग से। क्रम्बलिंग करना इज़ पॉसिबल अगर जो यू आपको चाहिए, पर ये मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि हर एक के पास बोल्स रख दूँ, क्योंकि मैं क्या है एक दिन में एक व्लॉग डालती हूँ, और व्लॉग में भी क्रम्बलिंग तभी होती है, ठीक है, और हर एक टेक्सचर की तो क्रम्बलिंग मैं करती भी नहीं हूँ। आज ये रिक्वेस्ट है थोड़ी, इस करके मैं कर रही हूँ। अच्छा आइडिया है, पर ये उसके लिए जैसे जो ब्लॉगिंग ज़्यादा करते हैं, और मतलब दो तीन चैनल हों उसके ब्लॉगिंग के, और उसको क्रम्बलिंग करनी हो, जगह कम हो, ऐसा मुझे तो ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। अब देखना, मैंने पीछे क्रम्बलिंग करी, और हर टेक्सचर की ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बिखरा हुआ हो और मैंने ऐसे बिखेर के क्रम्बलिंग करी, उसके ऊपर ही क्रम्बलिंग करी है। पता है बोल्स प्लास्टिक के है ज़्यादातर, एक आधा स्टील का है, फिर वो सारा दिन धूप में पड़े रह के भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना।
थोड़ी सी क्रशिंग करती हूँ मैं, मुझे बहुत मन कर रहा है, और फिर थोड़ा सा काम करते हैं उसका। देखना सीमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, ये उठाती हूँ और एक पत्ती उठा लेती हूँ। इसमें से करते हैं क्रम्बलिंग, और एक ब्रश उठा लेती हूँ। पहले मैं सोचूँ वो शेप भी उल्टा पुलटा के रख दूँ ना, एक तो ये रख दी इसकी वीडियो बन जाएगी। उनको भी तो रखना है ना, आजकल तो हवा से ही सूखेंगी ये। ओह सबसे सुंदर था यही टूट गया। ओह माय गॉड, अच्छा आप ना जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करूँ और एक्स्ट्रा कुछ भी करूँ, जबकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, पर उस तरह के से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सो प्लीज़ गाइज उस पर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, प्यार करो। एक इसका ब्लॉक क्रम्बल करूँ क्या? सॉरी इतनी क्यूट से बनी हुई है, कोई मन ही नहीं कर रहा छेड़ने का। यही करती हूँ, यही ड्राई है, क्या छोड़ दूँ। चलो अब कर ही लिया तो ठीक ही है। इतना सुंदर लग रहा है, ये सीमेंट ऐड किया ना इसलिए मेरा मन कर रहा है। ओ माय गॉड, कभी ऐसा नहीं हुआ इस टेक्सचर में। इतना वो कहीं ये मैंने गलत तो नहीं इसमें सीमेंट डाल दिया। अगर जो ऐसा हुआ ना तो वीडियो बनाते समय इसमें ज़्यादा पानी डाल लूँगी, अगर जो मुझे लगा कि हाँ भाई हार्ड है ज़्यादा पानी डाल के, और इसको तभी लिक्विड सेपरेट कर देंगे हम अगर जो हद से ज़्यादा हार्ड हुआ। क्योंकि पहले ना आपने देखा होगा इसमें मज़ा ही नहीं आता, इसकी शेप उठती ही नहीं थी ढंग से, टूट जाती थी। अच्छा अब आपने देखा सीमेंट डालने के बाद, और सीमेंट डालने से पहले अब मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ठीक है।